Hi Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Gemini? Gemini, मैं personal readings भी offer करती हूँ. आप description box check कर सकते हो और जिसमें आप मुझे directly WhatsApp पे contact कर सकते हो. और ये video दो part में divided है, general reading and love life reading. Timestamps नीचे mentioned हैं. तो आप अपने preference के according video देख लेना. Let's check आपका September month कैसा रहने वाला है Gemini. Let's check. Transformation का कार्ड आया है जेमिनी. जेमिनी, दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटिफुल कार्ड्स फ्रॉम द ओशो डेक. जेमिनी, एक परिवर्तन आने वाला है आपकी सोच में, आपके आपके लाइफ में. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में इन सेप्टेम्बर मंथ. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जो ऐसा हो सक ऐसा आपको एहसास दिलाएगा कि लाइफ का पर्पज़ तो कुछ और है. एंड आई एम सीइंग दैट आपके ऊपर बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स है, बिकॉज दिस इज़ लाइक सम डिवाइन. देयर इज़ दिस स्वान, लोटस. मुझे लग रहा है आपके ऊपर बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन भी है जेमिनी. जेमिनी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, आई एम अलोन, कभी ये मत सोचिएगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जेमिनी. ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम द एनिमल डेक कि आपका एनिमल मैसेज क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. लेट्स चेक. ओ माय गॉड, डियर का कार्ड है. अमेजिंग जेमिनी. जेमिनी, डियर डियर, वॉट इज रेज, मतलब डियर का क्या सिंबल होता है, डियर के क्या फीचर्स होते हैं. डियर रिप्रेजेंट्स द इनोसेंस. तो आपके अंदर एक इनोसेंस, एक क्रिएटिविटी, एक लाइक आपके अंदर, अगर आपने पास्ट में अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे लोगों को हर्ट किया हो, लोगों के साथ कनिंगनेस बहुत दिखाई हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग पास्ट में बहुत कनिंग थे और बहुत सिर्फ अपने बारे में सोचे थे. यू विल डेवलप दैट इनोसेंस, इनोसेंस विद इन योर सेल्फ. आप लोगों के अंदर एक बहुत एम्पथी भी बढ़ेगी. आपका नेचर होगा जेंटल, इनोसेंस, और मतलब आपका नेचर ऐसा बनेगा विद ट्रांसफॉर्मेशन. एंड डियर, मुझे दिख रहा है कि आपको पता है कि लोगों के साथ रूड बिहेवियर करके, दूसरों के बारे में गलत सोच के अपना ही नुकसान होता है. ये रियलाइजेशन होगा आपको इस मंथ. सो आपका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स पीपल विल बी वेरी पॉजिटिव. एंड ये डियर देखो कितना क्यूट है. आप भी बहुत क्यूट, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत क्यूट बनेगी जेमिनी दिस मंथ. सो कीप इट अप विद दैट एनर्जी. आप बहुत ही एक एम्पथेटिक ह्यूमन बीइंग बन रहे हो फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ जेमिनी. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, जनरल मैसेज फॉर जेमिनी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. Let's cut the deck. Lovers, oh my god, amazing. Lovers, ये आप ही का कार्ड है वैसे जेमिनी. My goodness, amazing cards, amazing. जेमिनी, lovers आप ही की एनर्जी होती है. जेमिनी, it represents जेमिनी एनर्जी. मुझे जितना लग रहा है, जो लोग सिंगल ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, आपकी लव लाइफ बिगिन होने वाली है सितंबर मंथ ऑनवर्ड से. लवर्स विद इनोसेंस, विद डियर, डियर विद ट्रांसफॉर्मेशन. आप एक बहुत पॉजिटिव, बहुत एम्पथेटिक ह्यूमन बीइंग बनोगे. मैंने पहले ही बता दिया था विद लवर्स कार्ड. लवर्स का मतलब यही होता है कि आप अपने काम में सेटिस्फाइड होगे, आप जो भी करोगे लाइफ में उसमें खुश रहोगे. ओवरऑल ना, द एनर्जी ऑफ सितंबर इज ऑल अबाउट इनर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. यही गोल होता है ह्यूमन बींग्स का. भले ही ज़्यादा पैसा कमा लिया, बट रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा. तो जेमिनी, यू आर रियलाइजिंग ऑल दिस स्टफ एंड आपको खुशी मिलेगी. आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपका लव लाइफ, फैमिली लाइफ सब अच्छी रहने वाली है सेप्टेम्बर मंथ में. हायरोफेंट का कार्ड है. आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे. तो जब when you become more empathetic, it's because you are towards spirituality. तो आप spirituality की तरफ जाओगे या religious activities में बहुत participate करोगे. For many of you, जो लोग अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे, for शादी, आप लोगों की शादी तय होने वाली है September month onwards में. Hierophant is a
इज अ स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ मैरिज एज वेल। आप लोग का रिश्ता तय होने वाला है सितंबर मंथ में, जो लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं अपने मैरिज के लिए। क्वीन ऑफ वंड्स, अमेजिंग कार्ड। नेचर से आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे कि आपको नेचर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। वॉक करो पार्क में, डॉग्स एंड कैट्स को प्यार करो, एनिमल्स को प्यार करो। और क्वीन ऑफ वंड्स का ये भी मतलब होता है कि आप बहुत डिटरमाइंड होगे, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक एम्बिशन लेवल बढ़ेगा टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। तो ओवरऑल सितंबर मंथ में आपकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत अच्छी होंगी, बहुत पॉजिटिव होंगी। एक बदलाव लाने की आप कोशिश करोगे सितंबर मंथ में। एंड आपकी जो, मुझे लग रहा है जेमिनी, सितंबर मंथ विल बी द मोस्ट पॉजिटिव मंथ फॉर यू। इनर सेटिस्फैक्शन, इनर हैप्पीनेस रहेगा आपका सितंबर मंथ में। वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। आप ही का कार्ड आया है द लवर्स कार्ड, इट्स दी अमेजिंग जेमिनी, दिस विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मंथ फॉर यू। ठीक है, लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाई जेमिनी एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो जेमिनी। जेमिनी लेट्स चेक जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी। टेक वॉट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट। एनर्जी मे बी वाइस आ वर्स आ। ठीक है, कट कर लेते हैं टेक। पहले हम जनरल एनर्जीज देखेंगे ओरेकल से। रीचिंग कंक्लूजन्स, न्यू लव। मैंने क्या जनरल रीडिंग में क्या बोला था, मैंने जनरल रीडिंग में क्या बोला था कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में समवन विल एंटर फॉर श्योर। जेमिनी सिंगल लोगों की लाइफ में नया लव आने वाला है। ट्विन फ्लेम स्टेज है, लवर्स ट्विन फ्लेम कार्ड भी होता है। तो मुझे लग रहा है जेमिनी, आपने जिस भी पार्टनर को अपने माइंड में रखा है, मेनी ऑफ यू आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो शायद आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। रीचिंग कंक्लूजन्स का कार्ड है, इसका हम खुलासा बाद में करेंगे कि ये कार्ड क्यों आया है। बट ओवरऑल सिंगल लोग जो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है सितंबर मंथ में। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोग शायद एक ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। तो इंटरनेट में रिसर्च करो, देखो ट्विन फ्लेम के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सी एंड इफ इट्स रेजोनेटिंग विथ यू, देन येस यू आर इन टू अ ट्विन फ्लेम जर्नी। एंजल्स हैविंग्स एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर जेमिनी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। योर फीलिंग, क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग। योर पार्टनर्स फीलिंग द मून, ओके। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, फिर से हायरोफेंट का कार्ड आ गया। अमेजिंग जेमिनी, अमेजिंग। मून का कार्ड क्यों आ रहा है भाई साहब? ओके जेमिनी, मुझे जितना लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं, आप बहुत लव करते हो, लाइक करते हो, बहुत आप इमोशनली स्टेबल हो, आप अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट बहुत करते हो आप अपने पार्टनर को। उनका ना हमेशा आप, उनका ना मनोबल हमेशा हमेशा हाई रखते हैं। अगर वो कभी भी डाउन फील करते हैं, मुझे जितना ऐसी एनर्जी आ रही, आप उनको हमेशा इनकरेज करते हो कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, आपकी एनर्जीज बिल्कुल परफेक्ट है जेमिनी। न्यू मून का कार्ड है, द मून का कार्ड है। व्हाई आई सेड न्यू मून, आई थिंक न्यू मून मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि मुझे लगता है सितंबर में जब भी न्यू मून होगा तो उस दिन या उस टाइम पे कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि ये मुझे एकदम से एनर्जी आई। द मून का कार्ड है, अभी आपका पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूज है आपको लेके, दे आर कन्फ्यूज विथ यू। एंड मुझे जितना लग रहा है वो काफ़ी कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। मुझे जितना लग रहा है ना, आप उन्हें जितना भी सपोर्ट कर रहे हो, वो ना एक शेल में आ गए एंड दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। बट ऐसा है ना कि आपका पार्टनर ना किसी से भी बात नहीं करना चाहता है, वो भी एक शेल में, एक जोन में आ गए। तो सितंबर मंथ में थोड़ा एक सेटबैक मोड में रहेंगे, थोड़ा एक हाइबरनेशन मोड में रहेंगे। तो अगर वो ज़्यादा आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स, तो आप टेंशन मत लेना क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी टेन ऑफ कप्स है भाई। ये बंदा बंदी आपसे शादी करना चाहता है, फैक्ट है। ये आपके साथ शादी करेंगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग टाइम पास नहीं कर रहे, यू गाइज विल गेट मैरिड। हायरोफेंट विद टेन ऑफ कप्स, 100% आप दोनों की शादी होगी और ये आपसे शादी ही करेंगे। टेन ऑफ कप्स इज लाइक यू गाइज आर नॉट डेटिंग फॉर टाइम पास। आप लोग टाइम पास नहीं कर रहे, आप लोग एक दूसरे की नीड समझते हैं एंड यू वॉन्ट टू सेटल डाउन एंड गेट मैरिड एज वेल।
फोर ऑफ पेंटिकल्स लाइटली इज लाइक एन एडवाइस फॉर यू. फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि ज्यादा ज्यादा पीछे मत पड़ो इनके, ठीक है. आप अपने पार्टनर के ज्यादा पीछे मत पड़ो, गिव देम स्पेस, बिकॉज वो अभी ना इस जोन में है. उनका कुछ, आई थिंक उनका कुछ प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है, दैट इज वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट. गिव देम प्रॉपर स्पेस एंड एनर्जी, क्योंकि वो ना अभी आपको सितंबर मंथ में ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. शायद आपको एक एक दो दो दिन में रिप्लाई करे, कॉल करे. तो आप टेंशन में मत आना जेमिनाई, बिकॉज दिस मंथ वो थोड़ा अपने ही जोन में रहेंगे, थोड़ा इंट्रोवर्टेड जोन में ही रहेंगे. और ज़्यादा पीछे मत पड़ना उनके, क्योंकि ना दे विल मैरी यू. दे वॉन्ट कि आप दोनों की फैमिलीज की ब्लेसिंग्स हो और आपसे शादी करें, क्योंकि शादी नहीं तो देखो सीरियस रिलेशनशिप वो चाहते हैं. तो रीचिंग कंक्लूजन्स का यही मतलब दिख रहा है कि आपको ना, आप थोड़ा टेंशन मत लेना जेमिनी. अगर आपकी लव लाइफ में अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जेमिनी, वो ना सॉर्टेड आउट हो जाएंगी बाय सेप्टेम्बर एंड, ठीक है. मुझे कोई ना टेंशन आप मत लो जेमिनी. अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत चल रही है आपकी लव लाइफ में, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फ्यूचर आउटकम है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है. आई होप यू लाइक माई रीडिंग. क्लेम करो कॉमेंट करके नीचे, एंड इफ यू लाइक डिट सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय.